हमारा देश जहाँ हर थोड़ी दूरी पे बोली खाना रीति रिवाज बदल जाते हैं, वहाँ पे यूनिटी लाती है एक चीज, हमारा पशुओं के साथ व्यवहार। लेकिन उसमें भी हर प्रदेश अपने फ्लेवर का एक तड़का जरूर लगाता है। हिमाचल में ट्रैप लगाएंगे, यूपी में डंडे बरसाएंगे और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप इन्हें जिंदा दबा भी पाएंगे। तभी तो फिल्म कोई भी हो, धमकी सिर्फ एक कि तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। अब गाय की बात करें तो उसे तो मारने के तरीकों के साथ साथ कारण भी फर्क है। कोई खेत बचाने के लिए पैरों में कील गाड़ देता है, कोई खाने के लिए निडर होके गाय का सर काट देता है, तो कोई तस्कर चलती गाड़ी से डर के मारे गाय को जिंदा ही फेंक देता है। चलती बात पे एक बात बताता हूँ, ये डर कानून का नहीं गौ रक्षक का है, क्योंकि हमारे देश के हर कोने में शिष्टाचार चाहे अलग हो, भ्रष्टाचार एक सा है। केस बना भी तो कभी फाइल गुम हो जाएगी, कभी वकील छुट्टी पे चला जाएगा, या कभी तो अफसर का ही तबादला कर दिया जाएगा। पशुओं की इस दुर्गति में थोड़ा रोल किस्मत का भी है, तभी तो सड़कों पे घूमने वाला हर पशु असुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो पिंजरे में बंद है तो राज्य कोई सा भी हो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान, खुशी के मौके पे वो बकरे काट रहा है, जात ऊंची हो या नीची वो चिकन करी चाट रहा है, उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो चुनाव से पहले वो बोतल और मुर्गी बांट रहा है। फिर भी मैं कहूंगा मेरा भारत महान, क्योंकि अहिंसा है इसकी पहचान। जरूरत है तो इस अहिंसा को किताबों से निकल के हमारे दिल में आने की। मेरा एक सपना है कि प्रदेश कोई सा हो, पशु कोई सा हो, हमारा व्यवहार हर पशु के साथ एक हो और वो थोड़ा नेक हो।